Whoa, whoa, whoa. वो यहाँ से इसको नीचे होता है, वो कपड़ों के नीचे गए तो नीचे नहीं गया, तो उसके नीचे रहे नीचे बैठा। एक काम करो, कोई डंडे से इसको उधर की तरफ धक्के लो, तुम उधर पकड़ लो। यहाँ से पकड़ लोगे? वो आ गया क्या? ये आपके पाँव में आ गया? वो भैया पाँव में आ गया। वो 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 ये क्या चल गया? क्या क्या इसमें आ गया वापिस? हाँ पकड़ लिया। दुकान में घुस गया, पकड़ लिया। ये फोटो की वही होता वीडियो। इतना बड़ा गोया गोरा है। आ चुके उसे मादा नहीं है, वो मादा होती है, ये नर है। हाँ ये नर है, गोयरा है ना। तो नमस्कार दोस्तों, जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। इस वक्त मैं जो है पहुँचा हूँ उज्जैन रोड की तरफ, और यहाँ पर ये मॉनिटर रिजल्ट काफ़ी बड़ी है। मैं आपको सबसे पहले इसका इलाज बता दूँ, क्योंकि काफ़ी सारे हमारे व्यूअर्स जो है ये पूछते हैं कि अगर ये काट ले तो क्या करना चाहिए। तो अगर ये काट ले तो सबसे पहले आपको डॉक्टरी ट्रीटमेंट लेना चाहिए, किसी भी तरह से घबराने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, इसके स्लाइवा में कुछ बैक्टीरिया होते हैं जिससे आपको कोई इन्फेक्शन संक्रमण जो है वो हो सकता है। तो अगर आपको गलती से ये जीव काट ले तो तुरंत आप डॉक्टर के पास जाएँ, टिटनेस का इंजेक्शन लगवाएँ, कुछ एंटीबायोटिक्स आपको मिलेंगी और आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। लेकिन अगर आप घबराएंगे तो निश्चित ही मौत के करीब जाएंगे, क्योंकि हमारे भारत देश में आज भी ये मान्यता है कि ये काफ़ी विषैला और काफ़ी जहरीला होता है, और कई लोगों को ये पता है। मैं आपको पास से दिखाने की कोशिश करता हूँ। आप देख सकते हैं कि ये एक नर है। हाँ। और कई लोग हमें ये बोलते हैं कि गो होती है, मादा होती है, पर ये मादा नहीं है। इस वक्त जो मेरे हाथ में है ये एक नर है, और काफ़ी अच्छी साइज में है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, ये इसके पास दूसरे परजीवी भी जो है ये रहते हैं, हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं। इसके जो स्लाइवा होता है, इसकी जो लार होती है, उसमें काफ़ी सारे बैक्टीरिया होते हैं, क्योंकि ये सड़ा गला मांस और मांसाहारी जीव है, तो ये सड़ा गला मांस भी खाते हैं, सब तरह की चीज़ें ये खा लेते हैं। तो अगर ये गलती से काट लेगा तो निश्चित ही कोई संक्रमण हो सकता है। तो आप लोगों से विनती है
कि अगर ये जीव दिखता है तो इससे घबराने की जरूरत नहीं है, ये बाहर जाते हैं, ये हम इंसानों से काफ़ी डरते हैं। और हमारे मध्य प्रदेश में काफ़ी ऐसी मान्यता है कि इसके फूकने से जो है अंधे हो जाते हैं, तो ऐसा भी कुछ होता नहीं है। और इसके आप क्लॉज देख सकते हैं, पंजे देख सकते हैं, काफ़ी मजबूत होते हैं, काफ़ी पहने होते हैं। अगर ये शरीर के अंदर गड़ेंगे तो इनसे भी हमें कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, इसको करता हूँ मैं जार के अंदर। तो दोस्तों, अभी आपने देखा कि उज्जैन नागदा रोड से मैंने इस मॉनिटर लिजर्ड यानी कि गोयरे को रेस्क्यू किया। चलिए मैं इसको खोल रहा हूँ और आप देखिएगा कितनी फुर्ती से जो है, कितनी तेज़ स्पीड से जो है ये चला जाएगा।